जी दोस्तों, लगातार हम बने हुए हैं नूर महल में। और यहाँ पर क्यों है? क्योंकि एग्जीबिशन बड़ा गजब यहाँ पर चल रहा है। एग्जीबिशन में हमने कपड़े दिखा दिए, ज्वेलरी भी लगातार आप देख रहे हैं, और कहाँ कहाँ से अब जुत्ती जंक्शन। जी हाँ, जुत्ती जंक्शन भी देख लीजिएगा। जूतियाँ लेकर एक मैडम पहुंचे हैं। मैडम, कहाँ से लेकर आए हैं जूतियाँ? जयपुर से। हाँ जी, स्पेशल आए हैं। हाँ जी, एग्जीबिशन के लिए। हाँ, पहली बार आए हैं? आते रहते हैं? फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे। एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप बिक रही हैं जूतियाँ आपकी? बहुत अच्छा रहा है। कहाँ कहाँ से कस्टमर आ रहे हैं आपके पास? करनाल से ही आ रहे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं, पानीपत वगैरह से भी आ रहे हैं। हाँ जी, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। चलिएगा, हमारे करनाल से अच्छी यादें मैडम लेकर जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ज्वेलरी का मैंने दिखाया था, वो लगातार यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी लगा हुआ है। मैडम, क्या लेकर आए यहाँ पर? मैं क्या लेके आई हूँ जी? ये ज्वेलरी का स्टॉल लेके आई हूँ। ज्वेलरी का सारा स्टॉल आपका? हाँ, सारा स्टॉल मेरा नहीं है, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ। मेरा होता तो आप यहाँ पर लेकर आए। किस तरह का माहौल है? कस्टमर आ रहे हैं लगातार? हाँ, आप देख ही सकते हैं, कस्टमर तो वॉकिंग बहुत ज्यादा है, फुटफॉल बहुत ज्यादा है। जी, शाम के टाइम में ज्यादा होती है। इस टाइम पे दिन का टाइम है, लोग वर्किंग है, कुछ एक घर पे है, तो शाम के टाइम। हाँ, क्योंकि गर्मी भी थोड़ी गर्मी भी। हाँ, तो मैडम, देखने वालों की तादाद ज्यादा है, लेने वालों की तादाद? यहाँ पे देखने वाला बहुत कम है। देखने वाला कम? हाँ, जो लेना है वही एंटर कर रहा है। ऐसे नहीं देखने वाले नहीं आ रहे, कुछ लोग देखने वाले भी है। मैक्सिमम 90% लोग जो है कन्वर्जन है। सेटिस्फाइड है आप? हाँ। और किस कंपनी से हैं आप? मैं पीपी ज्वेलर्स चंडीगढ़। यानी पूरा का पूरा ये जो है एरिया ये पीपी ज्वेलर का है। बहुत सारा एरिया पीपी ज्वेलर ने घेर लिया है भाई साहब। खूब सारी सेल कर रहे हैं, खूब सारे कस्टमर हैं। और भैया जी, गजब के ये देखिएगा, शो पीस भी यहाँ पर खूब सारे रख दिए। भैया जी हैं हमारे। जी मैडम जी हैं, प्रचार के लिए आए हैं, एग्जीबिशन लगा दिया, लेकिन मीडिया से भाग रहे हैं भाई साहब। गजब कर दिए मैडम ने तो। चलिएगा, उनको प्रचार नहीं चाहिए, लेकिन एग्जीबिशन में लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। और किस लिए आए हैं? ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सके, कस्टमर को ले सके। भाई साहब, कहाँ से आए हैं? मैं जलंधर से आया हूँ। जलंधर से क्या लेकर आए? मेरे पास सीक्वेंस है, पार्टी वेयर है, सुरक्षा केप्स वगैरह मेरे पास। तो इस तरह के एग्जीबिशंस में जाते रहते होंगे पहले भी आप? हाँ जी सर, आते रहता हूँ, पिंक फेदर में आता हूँ। जी जी, करनाल पहले भी आए? हाँ जी सर। तो कैसा अनुभव रहता है? रिस्पांस अच्छा मिलता है तो दोबारा आता है बंदा। जी, करनाल दूसरी जगह भी आते हैं या फिर नूर महल का नाम सुन के वहाँ जरूर आते हैं? नूर महल का नाम सुन के आता हूँ। नूर महल का, उसकी वजह बता दीजिए। सर, कस्टमर्स बहुत अच्छे आते हैं जी, बाइंग पावर अच्छी है जी, जी। जिसने नूर महल में आना उसे शॉपिंग करके जाना उसने। यानी चिकचिकबाजी नहीं होता, लेके जाते हैं? नहीं, बिल्कुल चिकचिकबाजी नहीं होती सर। जी, जी। आनंद आपका। हाँ जी, चलिए चलिएगा, शुभकामनाएं भाई, ऐसे ही करनाल में आते रहे। और एक और हमारे मोहतरमा है, उनसे बात कर लेते। वैसे तो कस्टमर में बिजी है, बात कम करना पसंद करेंगे, लेकिन हमें तो करना पड़ेगा।